अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड पर हतमी मुशावरत आइंदा हफ्ते होगी। नाज़रीन दरए का कहना है कि रेड बॉल हेड कोच जेसन गैलेक्सी की पाकिस्तान वापसी पर टेस्ट स्क्वाड को फाइनल किया जाएगा। जेसन गैलेक्सी पाकिस्तान शहीन के साथ इन दिनों डारून में मौजूद हैं। जेसन गैलेक्सी बांग्लादेश ए के खिलाफ दूसरे चार रोजा मैच के बाद पाकिस्तान आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कैंप अगस्त के दूसरे हफ्ते में लगाया जाएगा, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में खेला था। इस टेस्ट स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि कई खिलाड़ी फॉर्म और फिटनेस की बुनियाद पर टीम में जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे, जबकि मोहम्मद हुरैरा और साहबजादा फरहान को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, सैम अयूब और नुमान अली का कौमी स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल है, जबकि इमामुल हक के नाम पर बहस होगी और आमिर जमाल और हसन अली की फिटनेस का जायजा लेने के बाद इनकी टीम में शमूलियत से मुतल्लिक फैसला होगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।